हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम गार्डन वर्क में सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम क्रिसेंथेमम गुलदावरी जिसे कहते हैं सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लोरिंग करती है। आप चाहते हैं कि हमारे पास ये पौधा हमारे पास पूरे साल यही पौधा रहे, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा ये पुराना पौधा है, अगर आपके पास ये पुराना पौधा है उसमें बहुत अच्छी फ्लोरिंग होती है और चाहते हो कि हमारे पास ये पौधा ये अगले साल भी ये नेक्स्ट सीजन में भी रहे, तो इसको आपको बचाना कैसे है, तो सबसे पहले हम तरीका बताएंगे कि जो भी आपके फूल खिल चुके हैं और सीजनल, क्योंकि ये सीजनल प्लांट है, ये सर्दियों में ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, आप चाहते हैं कि हमारे अगले साल के लिए भी ये इसे रखा जाए, तो सबसे पहले ज़रूरी काम है दोस्तों कि जो भी इसके फूल खिल जाएँ, फूल खिलने के बाद जब सूख जाएँ तो इसकी ब्रांचों को आप क्या करें, कट कर दें। दोस्तों, हमने इसे कट कर दिया था, फिर देखें ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग फिर से करने लगा। तो जो सूखी ब्रांचें हैं, सहनी टहनियाँ, उसे हम कट कर देंगे फिर से। इस तरीके से आप कट कर दें सूखे फ्लावर को, तो इस तरीके से आपको कट करना है ऐसे, वो आप तरीका सीख लें, इसको आपको अगले नेक्स्ट सीजन के लिए। तो ये सारे फ्लावर आप कट कर दें इस तरीके से, क्योंकि सीजन ऑफ हो रहा है, अब इसको हमें बचाना है नेक्स्ट सीजन के लिए। तो हम कट कर दिए सारे फ्लावर को, मैं एक में कट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से हमने कट कर दिया, अब क्या करना है, हमने कट कर दिया इसको, अच्छे तरीके से कट कर दें, जो भी डेड ब्रांचें हैं उसको कट करके हटा दें। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसकी गुड़ाई कर देना है इस तरीके से। अच्छे से गुड़ाई कर दें, तो अब गुड़ाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में हम डालेंगे थोड़ा सा कार्डन कंपोस्ट, किनारे किनारे आप कार्डन कंपोस्ट डाल दें हल्का हल्का करके इस तरीके से, ऐसे चारों तरफ से डाल दें। डालने के बाद दोस्तों अच्छे से पानी दे दें इस तरीके से, अब हमने इसको पानी दे दिया है। हम चाहे तो इसको भी थोड़ा सा कट कर सकते हैं, कट करने के बाद पानी दे दें, लेकिन पर दोस्तों हमें क्या करना है, अब इसको हमें रखना कहाँ है दोस्तों, इसे धूप बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ये सर्दियों के फ्लावर प्लांट है गुलदावरी, इसे हमें रखना है छाए में, जहाँ धूप ना पड़ती हो, वहाँ उजाला हो पर धूप नहीं पड़ना चाहिए, तभी ये पौधा आपका बचेगा। उसके बाद आप क्या करें, डेली आप पानी दें इसको। उसके बाद जब आपका जुलाई, जून जुलाई का महीना है, वहाँ पे आप इसकी कटिंग लें इस तरीके से, आप कटिंग लें, आप जो है रिवर्स एंड में इस तरीके से आप लगा दें इस तरीके से, आपके पौधे बन जाएंगे, फिर आपके पौधे नवंबर और दिसंबर में अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो इस तरीके से आपको इन पौधों को बचाना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।